ठीक है, ये हमारा जो सीन बनाया था, हमने पहले तो एक जेबरा मार के देखा था, हमने अब तीन खड़े कर दिए कि हमारे पहले लेवल में पहला लेवल बनाया है हमने, उसमें तीन जेबरे रख दिए हैं, उनको भी छोड़ दो ठीक है, कितने रख दिए हैं? तो हम चाहते हैं कि जब ये तीनों मरे तो हमारा कौन सा पैनल आ जाए कंप्लीट पैनल, क्योंकि पहले लेवल में तीन है। उसके लिए हमने सिंपल सा क्या किया, इन तीनों को दिया टैग, इसको इसको क्या टैग दिया, एनिमी का, क्या टैग दिया, एनिमी का, एनिमी का टैग दिया। स्क्रिप्ट खुल जाए जरा, अच्छा हमने गेट किया है, गेम ऑब्जेक्ट लिया, गेम ऑब्जेक्ट एनिमी ठीक है। अब एनिमी एक से ज्यादा है, एनिमी एक से ज्यादा है, ज्यादा है तो वो अब अलग अलग हर किसी का टैग गेट करें तो कोडिंग लंबी हो जाएगी। हमने क्या ले लिया, एरे, क्या ले, इसे कहते हैं एरे, एरे होता है बॉक्सेस साल के तौर पर ठीक है, मेमोरी बॉक्सेस। अब उसने क्या किया, एनिमी का टैग हमने गेट किया है कि एनिमल टाइप का एरे टाइप ये लिया, उसका वो जो हमने लिया था नाम लिखा गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड, फाइंड गेम ऑब्जेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं इस एनिमी के टैग, वो सारे गेट करके किस में आ गए, एनिमी आ गए। हमने उसकी हमने चेक किया कि अगर एनिमी, अब देखिए एक मरा पीछे कितने रह देंगे लड़की में, दो, दूसरा मरा कितने रह देंगे, एक, ऐसे ना जब वो जीरो के बराबर हो जाए तो क्या प्रिंट हो रहा है, कम्प्लीट, इतना काम किया था, जीरो के बराबर हो जाए तो क्या कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट पैनल। हम यहाँ पे सिर्फ पैनल शो करवाना है। अच्छा दूसरा हमने काम ये किया, तीन हमारे पास एनिमल थे और साथ हम कहते हैं कि इसी सीन के अंदर ना दो हमने खड़े कर दिए फ्रेंड, दो हमने खड़े कर दिए, एक और दो फ्रेंड, अगर इन फ्रेंड को गोली लग जाए ना तो गेम फेल हो जाए, क्योंकि हमें टास्क दिया गया कि आपने किनको मारना है, सिर्फ जैबरे को मारना है, इनको आपने नहीं मारना पहले लेवल के अंदर। अब हमने उनको भी इस तरह गेट कर, उनको फ्रेंड का टैग दे दिया, वही गेम ऑब्जेक्ट फ्रेंड, फ्रेंड के अंदर फाइंड गेम ऑब्जेक्ट्स विद टैग फ्रेंड ठीक है। अब बाहर से हम क्या कहते हैं कि ये हमने पब्लिक वेरिएबल ले लिया, पब्लिक इंट नंबर ऑफ फ्रेंड, हम हर सीन में नंबर ऑफ फ्रेंड बता देंगे, क्योंकि कंप्यूटर को बताया हमने वो कंपैरिजन करवाना था ना, हम बताएंगे कि नंबर ऑफ फ्रेंड हमारे पास कितने हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर जहाँ स्क्रिप्ट अटैच किया हुआ है, इसके बाद हमने भेज दिया कितने हैं, दो, वो इस वेरिएबल में कितने आ जाएंगे इधर, नंबर ऑफ फ्रेंड दो। अब एक मरेगा, जैसे ही एक मरेगा वो इससे कम हो गया नंबर ऑफ फ्रेंड से, इसका मतलब क्या, गेम हो जाएगी फेल, कोई भी एक मरेगा तो दो ही रहने चाहिए। हम सारी बात है, हमने क्या फ्रेंड की लेंथ, फ्रेंड की लेंथ अगर कम, जैसे ही कम होगी तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा ठीक हो गया। अच्छा अब हमने तीसरा काम अब ये करने का, यही पढ़ा है हमने, यही पढ़ा था ना ठीक है। अब हमने कहना कि ये तो सिर्फ प्रिंट करवाया था, हम प्रिंट श्रिंट लोग का प्रिंट भी रहे, हम कहते हैं कि यहाँ पे ना कंप्लीट पैनल आए, क्या आए, कंप्लीट पैनल आए, यहाँ पे क्या आए, फेल पैनल आए। यहाँ पे दो किस तरह करेंगे, गेम ऑब्जेक्ट ले लेंगे, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट कंप्लीट पैनल फेल पैनल और फेल पैनल। अच्छा अब तीसरा मैं अभी पॉज भी ले रहा हूँ, काम आएगा फिर, ये वैसे लिया भी काम करना नहीं है इस पर ठीक है। मैं कहता हूँ कि जब ये क्या हो, मर जाए ना सारे तो क्या आए, कंप्लीट पैनल डॉट सेट एक्टिव ट्रू हो जाए ठीक हो गया, और जब फेल हो तो क्या हो, फेल पैनल डॉट सेट एक्टिव स्केल, अगर आपने गेम रोकनी है टाइम स्केल कर दो, जिस तरह नहीं होना चाहिए ना, अब टाइम, अब देखो ये गाड़ी नहीं है, अब हर चीज़ में ना लॉजिकली बात होती है, आप टाइम स्केल, अब देखो जंगल है, आप खड़े स्नाइपर से गोली मारो, आप एक गोली मारोगे सारी चीज़ें रुक जाती हैं, जब वो मर गए, एक मरा है फ्रेंड मिसाल के तौर पर, फ्रेंड मर गए, बाकी चार जान ऐसे खड़े हो जाएंगे, जहाँ टांगे उनकी वैसे खड़ी हो जाएंगी, पीछे गेम का व्यू भी नजर आता रहे ठीक है, गेम का क्या नजर आता रहे, व्यू भी नजर आता रहे, और साइड पर कंप्लीट पैनल जब आया है, अब जानवर बाकी खड़े हो जाए, आपको पता चले कि आपका टास्क कंप्लीट हो गया, जानवर बाकी चलते फिर जंगल में,
फ्रेंड चलते फिर रहे, फ्रेंड रहेंगे वो तो वैसे डिसअपीयर हो जाएंगे ना। हर गेम की लॉजिक अलग होती है, आप करना चाहो कर दो टाइम स्केल जीरो कर दो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, टाइम टू टाइम स्केल जीरो कर दो, लेकिन यह बनता नहीं है टाइम टू टाइम स्केल जीरो। ठीक है, तो गाड़ी वाला और हिसाब था, वो गाड़ी ये था कि आपने कंप्लीट किया, आगे हो सकता है दरिया हो उसमें जाकर गिर जाए, आप ही फिर कंप्लीट पैनल भी आती रहती है, गाड़ी की आवाज़ आ जाए, सो मतलब गाड़ी की आवाज़ भी बंद हो सकती है, वो आगे आगे ऊपर चल जाएगा, गेट कंपोनेंट करो, ऑडियो सोर्स गेट करो, उसको एज पॉज करवा दो, तो फिर कोडिंग करनी पड़ती है, हर चीज़ के पीछे कोडिंग है, हर चीज़ के पीछे कोडिंग। ये सिर्फ जनरल ओवरव्यू है आपको किस तरह गेम बन सकती है, बाकी तो आपकी लॉजिक से किस तरह लगाते हो आप। अच्छा, यहाँ पे हम बनाते हैं कैनवस, जब छोटे से दो बटन लूँगा, कोई कलर नहीं करूँगा, ऊपर तीन बटन बना दूँगा, उसको शो करवाना है हमने। कैनवस किस तरह लेते हैं, राइट क्लिक, राइट क्लिक, यूआई कैनवस, ठीक है, इसका साइज स्केल विद 1280 इधर इधर भी क्या है, इधर भी वही करना है, नहीं वो पता नहीं मुझसे गलत हो गया होगा, 800 ठीक हो गया, 1280 और 800। इसके अंदर एक पैनल ले लेते हैं, यूआई और पैनल, इधर मैं पैनल कैनवस पे बेच ही लेना है जी, जो चीज़ भी यूआई हो ना, यूजर इंटरफेस, वो सिर्फ कैनवस के अंदर नज़र आएगी, इसके अलावा नज़र नहीं आएगी। इसको बाहर लेता हूँ, नज़र आता देख नहीं आया ना, गायब हो गया, हमें कैनवस के अंदर लेना है। अब मैं कहता हूँ यार कैनवस मेरा ना इतना नज़र आए, बाकी सीन मेरे पीछे से नज़र आता रहे, वो पूरी स्क्रीन पे आ रहे मज़ा नहीं ना, इतना नज़र आता रहे, इतना इतना पैनल बना देते हैं। इसके ऊपर कंप्लीट फेल बटन हो, बस कलर शर्ट को छोड़ो, इसके तरह मैं बटन दे रहा हूँ, ठीक हो गया, ऐसे उस मुझे बनाना पड़ गया समझाने के लिए, वरना तीन बटन है जी। इस पैनल का नाम है कंप्लीट पैनल, पैनल ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा किसका बटन आ जाएगा, नेक्स्ट लेवल का, ये हमारा आ जाएगा रीस्टार्ट का, ये आ जाएगा हमारा होम का, ठीक हो गया, एक पैनल बन गया कंप्लीट। इसी को डुप्लीकेट करो, इसका नाम क्या रख दो, फेल पैनल, इसको ओपन कर लो, तीसरे बटन की हमें ज़रूरत नहीं है, इसमें रीस्टार्ट कर लो या होम कर लो, नेक्स्ट की छोड़ दो, दो ही चाहिए होते हैं ना इसमें, दोबारा खेल लो, ये फेल पैनल हो गया, ठीक है, इसी को कर लो, बाद में फिर कौन आता है, फिर एक पॉज पैनल, जब जरूरत आएगी तो फिर हम यूज़ कर लेंगे। पॉज पैनल में क्या क्या बटन होते हैं, रिज्यूम, रीस्टार्ट और होम, ठीक हो गया, ये तीन पैनल हमारे बन गए, तीनों को ऑफ कर दो, हाइड, ठीक हो गया। अब जहाँ स्क्रिप्ट अटैच किया है वहाँ पे कंप्लीट पैनल ड्रैग कर दो, यहाँ पे फेल पैनल ड्रैग कर दो, पॉज की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ड्रैग कर देता हूँ, कोडिंग तो पीछे हुई नहीं है इसकी। अब चेक करते हैं मार के, पैसे से मारते हैं फ्रेंड, ये जब सबसे पहले मारते हैं फ्रेंड, देखते हैं हमारा फेल पैनल आता है, यहाँ फेल पैनल आ गया, दो बटनों वाला मेरे थे पीछे, ऐसी पिक्चर ला दी है जिधर शो इसके यहाँ पे, आप इस जगह आप टैक्स लगा दें, यानी जहाँ फेल पैनल ऊपर टैक्स लिख दें, ले आप कंप्लीट फेल, ये जैसी मर्जी डिजाइनिंग तो आपके ऊपर है ना, जैसे भी कहें आप कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट पैनल आता है या नहीं आता, ते भाई क्या देख रहे हो, अच्छा वो जैसे फेल हुआ था तो गेम तो चलती रही है, गेम चलती रही है ना, वो आप बता तो रहा हूँ आपको, आप क्या करो, अब इसके लिए भी लॉजिक है, क्या लॉजिक है बताओ जरा, कंप्लीट पैनल आ गया, उसके लिए लॉजिक क्या है, आप ये कह रहे हो ना गेम चलती रही है, हाँ। ये तो गोलियां, अब इसके लिए क्या लॉजिक है बताओ, तुम्हारे ख्याल में क्या होगा इसके लिए, क्या कर सकते हैं हम टाइम स्केल के अलावा, आप ऐसे करो एक सीन के ऊपर ना यहाँ करके कैमरा फिट कर लो, एक जब गेम कम्प्लीट हो तो हमें ये व्यू दिखाए, मिसाल के तौर पर क्या व्यू दिखाए, ये वाला व्यू दिखाए, मिसाल दे रहा हूँ वैसे, ये हम कह देते हैं चलो यार जब कंप्लीट हुआ तो ये वाला व्यू है, हम भी इस तरह करते हैं, अच्छा सा व्यू ढूंढ लेते हैं, जब उसके ऊपर पैनल नहीं बनाते साइड में, वो यहाँ पे एक कैमरा ले लो एक्स्ट्रा, ये आ गया। अब जो व्यू है इस कैमरे पे क्लिक कर से क्या कर दो, अलाइन विद व्यू,
ठीक है, इसका नाम जो भी रख दो, फेल कंप्लीट, इसने इसका नाम पैनल पैनल कैम, यानी कि जब भी पैनल कोई भी आएगा तो ये कैमरा हमने ऑन करवा देना है। इसको फिलहाल क्या करवा दो, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ। अब सिंपल सिंपल क्या करो, एक गेम ऑब्जेक्ट लो, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट पैनल, सॉरी पब्लिक, यहाँ भेज देते हैं हम पैनल कैम। जब भी हमारे पास कंप्लीट हो तो क्या हो जाए, पैनल कैम, क्या हो जाए पैनल कैम डॉट सेट एक्टिव शुरू हो जाए। यार ये माउस तंग कर रहा है मुझे, ठीक है सेट एक्टिव शुरू हो गया, और इधर भी हमारे पास क्या हो गया, पैनल कैम डॉट सेट एक्टिव ट्रू हो गया। अच्छा ये सेट एक्टिव ट्रू कैमरा हो गया, अब उस प्लेयर को भी तो ख़त्म करना है, जो प्लेयर की बंदूक जाती है ना, गन जाती है ऐसे घूमती रहती है, तो आपने उसको भी बंद करना है। उसके लिए क्या करेंगे आप, एक और ले लो गेम ऑब्जेक्ट, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, यहाँ लिख लो नाम उसका प्लेयर, प्लेयर को उसके अंदर ड्रैग करेंगे, उसको क्या करवा देंगे यहाँ पे प्लेयर डॉट सेट एक्टिव फॉल्स, यही काम है सेट एक्टिव ट्रू फॉल्स गेम ऑब्जेक्ट, पूरी गेम बन जाती है जब मर्जी करते हैं आप। प्लेयर सेट एक्टिव अब सिर्फ ये करना है, कैम को कैम के अंदर ड्रैग करना है, और प्लेयर को प्लेयर के अंदर ड्रैग करना है, और आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। सेव करेगा अभी, सॉरी कंपाइल करेगा, सेव कर दिया, स्किप अटैच, इसमें आप क्या करोगे, हमारा प्लेयर है, प्लेयर उठा के ड्रैग कर दो, ये सेट एक्टिव फॉल्स हो जाएगा, और ये कैमरा सेट एक्टिव ट्रू हो जाएगा बस। अच्छा ना वो अभी एनिमी का टैग बाय डिफॉल्ट दे, मैं बेच ले के एनिमी पाता तो कम चल जाएगा, हां चल जाएगा कोई नहीं, लेकिन टैग कोडिंग भी सेम होना चाहिए, ये कोडिंग। अच्छा ये वाला क्यों नहीं मरा, वो कल वाला इशू है, इसके ऊपर स्क्रिप्ट आगे पीछे हो गए होंगे, चेक कर लेते हैं। इसके ऊपर दो गोलियों वाला नहीं लगा, अब ये क्या हुआ है, प्लेयर भी गायब हो गया, ख़त्म हो गया ना गेम, फेल हुई है, हमने फ्रेंड मारा है, ये पैनल भी आ गया, और दूसरा कैमरा जो था जिसका नाम कैन पैनल कैम रखा था, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, दे रहा है, ये क्या है, ये कैमरा हमने फिट किया था ना यहाँ पे, वो वाला कैमरा, अब हम प्लेयर बंद करते, प्लेयर का अपना कैमरा था, वो तो सारा ब्लैक आई थी स्क्रीन, क्योंकि कैमरे सारे बंद हो गए, हमने इसलिए लिया कि प्लेयर के अंदर कैमरा था, प्लेयर हमने बंद करना था, तो ऐसे पेरेंट को बंद करता तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाना था, बंद हो जाना था, तो इसलिए उसको क्या करना पड़ा, हमें एक एक्स्ट्रा कैमरा लेके उसको ऑन करवाना पड़ा सीन दिखाने के लिए। अगर इस तरह नहीं करना चाहते थे, एक और लंबा तरीका है, क्या करो कि प्लेयर का टैग गेट करो, उसके अंदर चाइल्ड गेट करो, उस जिसके ऊपर कैमरा लगा उसका टैग गेट करो, उसको सेट एक्टिव फॉल्स करो, उसको अंदर जो वो पड़ा है गन पड़ी है गन्स वाले स्क्रिप्ट को करवा दो, या उसके गेम जेट को कैमरा रहेगा, वो कितना लंबा तरीका है, उससे बेहतर ये नहीं कि वो कैमरा ले लें एक लाइन है कोड है, अभी कोडिंग नहीं की इसके भी, बटन क्लिक मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे आप कलर दोगे बटनों के ऊपर हाईलाइटेड कलर, जब ऊपर जाओगे तो हाईलाइट हो जाएगा, फिर दबाओगे, ये किट सिर्फ मोबाइल के सही नज़र आती है, सही है मोबाइल के लिए, यहाँ पे बटन क्लिक होगा जो भी आप करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप क्या करोगे, इस तरह क्लिक नहीं होना है, कलर दे लो ऊपर माउस लेके जाओगे, हाईलाइटेड कलर ऑप्शन होती है ना बटन के नीचे, वहाँ कलर दो, आप माउस लेके जाओगे पता चल जाएगा ये हाईलाइट हो गया, उसको दबाओगे फिर दबेगा, वो जाता है वैसे जाता है, हर चीज़ है, ये देखो होता है क्लिक, मैं आगे दिखाता हूँ, बटन बनाते हैं। अब वो कह रहा है देर आर टू ऑडियो लिसनर्स इन द सीन, प्लीज इंश्योर देर इज ऑलवेज एग्जैक्टली वन ऑडियो लिसनर इन द सीन, एक सीन में सिर्फ एक ऑडियो लिसनर, यानी कान सिर्फ एक ही होने चाहिए। अब उसका क्या है, इस कैमरे की तो जरूरत नहीं है, वो कान इसे कान बंद कर दो ऑडियो लिसनर्स, ठीक हो गया। अच्छा जी वो दूसरा दो दफा भी गोली बताता हूँ किस तरह, इस फ्रेंड को ना हम करते हैं एक गोली, सही है जी, नहीं मरा एक गोली पे, ये दूसरी अभी हम मरेगा आ गया फिर, इसलिए की थी कि आपने जो एलिफेंट लगाया था ना इसकी हेल्थ होती है, एक गोली पे मरना है, 100 का मतलब कितना है, एक गोली 200 कर दिया होगा वहाँ पे, हाँ वहाँ पे 200 कर दिया, वो आपने बताया था,
उसको बना हंड्रेड ही करना मैं 300 कर दो जितना गोली ना मारे ठीक हो गया। अच्छा अब हम करते हैं जी सिंपल गेम को पब्लिक, थोड़ी देर के लिए इसको रख देते हैं। अब हमने करना है जनाब गेम को ना रीस्टार्ट करना है, पब्लिक पब्लिक वाइड स्पीड से लिख रहा हूँ ज़रा समझ जाना ठीक है। क्या एरर है सॉरी फंक्शन के अंदर क्या लिख रहा हूँ फंक्शन वो नहीं लिखा इतना यहाँ पे आएगा ठीक है। यहाँ पे करना है एप्लीकेशन डॉट लोड लेवल आगे एप्लीकेशन डॉट लोडेड लेवल ये हमारा रिस्टार्ट का कोड हो गया ठीक है। आगे क्या है पब्लिक वाइड होम की भी ज़रूरत नहीं है रिज्यूम की ज़रूरत है रिज्यूम उसके लिए क्या होगा पहले पॉज कर लेते हैं ताकि आपको रिज्यूम से ही समझ आए। पब्लिक वाइड पी ए यू एस ई पॉज ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी कि पॉज पैनल क्या हो जाए पी ए यू एस ई पॉज पैनल डॉट सेट एक्टिव ट्रू पॉज का बटन दबाएं तो क्या हो ट्रू हो जाए और साथ ही क्या हो जाए टाइम डॉट टाइम स्केल क्या हो जाए जीरो नहीं इसमें जीरो बस। अच्छा तीसरा काम ये है कि जो हमने इधर किया है पैन और प्लेयर वाला ओके पॉज पे तो हमने ख़त्म पैनल लाना है ना प्लेयर डॉट सेट एक्टिव पॉज हो जाए और कैम पैनल कैम पैनल कैम ये यहाँ पर भी इशू है प्लेयर का प्लेयर इशू है कोई दोबारा पॉज कर दूँगा चलो पॉज कर लिया मैं ठीक है। पैनल कैम डॉट कभी कभी वैसे भी एरर दे देता है फिर आपको पेस्ट करना पड़ता है यहाँ पे क्या करते हैं इसको ट्रू। अब क्या होगा पॉज पैनल आ जाएगा प्लेयर गायब हो जाएगा पैनल कैम जो हमने लगाया था वो ऑन हो जाएगा और टाइम स्केल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। समझ आ गई इतनी बात की यार ऐसे ना कर भाई। अच्छा खैर आप तीसरा में क्या करना है पब्लिक वाइड रिज्यूम रिज्यूम को लिखा था जी लिखा होगा ठीक है क्या रिज्यूम में क्या आ जाएगा सबसे पहले टाइम डॉट टाइम स्केल वन हो जाना चाहिए उसके बाद प्लेयर हमारा डॉट सेट एक्टिव ट्रू हो जाना नहीं कॉपी पेस्ट नहीं प्लेयर ट्रू होना चाहिए पैनल कैम ऑफ होना चाहिए ओके हमने चलानी है ना गेम दोबारा फॉल्स होना चाहिए और उसके बाद पॉज पैनल भी हमारा गायब होना चाहिए ऐसे होना चाहिए ना ठीक हो गया। अब चेक करते हैं ठीक इतनी समझ आई है। अब हम क्या करते हैं इस पैनल के ऊपर जाते हैं जरा इस कंप्लीट पैनल को ऑन करो और इसको हाईलाइटेड कलर देने पड़ेंगे ताकि हमें पता चले हमारा माउस ऊपर जा रहा है या नहीं। ये समझ लो हमारा नेक्स्ट है ये रीस्टार्ट है ये होम है तो आप इन तीनों को ये लिखा हुआ है हाईलाइटेड कलर इनको कोई कलर दे दो ये दे दिया इसी तरह फेल रीस्टार्ट के ऊपर भी कोई कलर दे दो हाईलाइटेड यही दे दिया इस तरह आप रीस्टार्ट रिज्यूम वाले उसके ऊपर भी सॉरी कलर दे दो कोई यही दे दिया ठीक हो गया। अब आपने करना ये है कि नेक्स्ट रीस्टार्ट होम होम जो भी आपने बनाया नेक्स्ट पे बनाया है रीस्टार्ट पे बनाया है नेक्स्ट भी नहीं है रीस्टार्ट बनाया है रिज्यूम बनाया है रीस्टार्ट हाँ ठीक है रीस्टार्ट ये तीन बटन फिलहाल हमने कोडिंग की ऐसे ही ना सर जी स्किप उठाओ और इसमें क्या कर दो ड्रैग कर दो। अब रीस्टार्ट वाले में यहाँ पे क्लिक रीस्टार्ट यहाँ पे लिखा होगा रीस्टार्ट इसमें भी फेल वाले में भी क्लिक करो इसमें मैंने ड्रैग ही नहीं किया था भूल गया था मैं इसमें भी आप क्या कर दो फेल वाले में भी रीस्टार्ट और उसके बाद हमारे पास रिज्यूम वाले में यहाँ पे आ जाएगा रिज्यूम और इसके बाद रीस्टार्ट वाले में भी क्या आ जाएगा रीस्टार्ट। अब रह गया पॉज का बनाना पड़ेगा जल्दी जल्दी ठीक है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं राइट क्लिक ये ऑब्जेक्ट और बटन आ गया इसको यहाँ पे लगा लेते हैं जैसा आपको ठीक लगे डिज़ाइनिंग ये जी मेरा पॉज का बटन है आपने इस तरह इतने बड़े बड़े नहीं बना के आने बटन ये हमारा क्या है पॉज का बटन है पी यू एस ई पॉज ठीक है। इसके ऊपर हमने फंक्शन असाइन करना है तो वो स्केप उठाओ उठाओ स्केप अटैच कर दो यहाँ पे क्लिक करो गेम और पॉज
ठीक हो गया। इसके भी हाई लाइटेड कलर दे देते हैं, कोई और कर देते हैं ब्लू। अब यहाँ पे जाते हैं, आ गया हाई लाइटेड। अब अच्छा ये एक और इशू भी आएगा, वो ये इशू आएगा कि एक मिनट रुको, वो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेयर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लेयर। तो आप इसकी इसकी वो बंद कर दो, FPS इनपुट कंट्रोलर बंद करो, एक मिनट चेक करता हूँ जा आगे। मगर इसके पीछे फंक्शन असाइन नहीं हुआ, फंक्शन हुआ इसके पीछे असाइन। पैनल प्लेयर ब्लीड पैनल प्लेयर पैनल पॉज पैनल, और यहाँ पे हमने किया हुआ है पॉज के ऊपर पॉज पैनल प्लेयर टू पॉज। ठीक है पॉज के बटन के पीछे गेम प्ले डॉट पॉज होना चाहिए, क्या करना था प्लेयर अच्छा खैर एक मिनट गेम कंप्लीट करो फेल करते हैं। उस पर हमको बटन क्लिक हो रहे हैं, इसको ये तो आ गया टाइम स्केल ज़ीरो हो गया, नहीं इसको तो किया ही नहीं था हमने टाइम स्केल ज़ीरो। ये देखो रिस्टार्ट होगी गेम, वही रिस्टार्ट। अच्छा अब हम पॉज पैनल नहीं आ रहा, वो देख लेते हैं क्या इशू है। फिर फेल करते हैं, ये पैनल आया इसके ऊपर तो कोडिंग थी नहीं कोई, इसके ऊपर है फिर रिस्टार्ट हो गया, काम कर रहे हैं इसका मतलब बटन। पॉज का देखता हूँ क्या इशू है, मेरा यहाँ तक ख्याल है वो पॉज ही काम ही नहीं कर रहा। आ गया पॉज पैनल, वो क्या इशू था उस तरफ, उस तरफ ये इशू था कि वो यहाँ पैनल की वजह से गड़बड़ कर रहा था, यहाँ मोबाइल की सेटिंग उन्होंने इसलिए हाथ से किया कि आपने वहाँ पे टच करना था, उससे काम नहीं कर रहा था। ये काम करेंगे, आपने बटन लगा देना कोडिंग कर लेनी है काम करेंगे। इसके ऊपर आप देखना इसके ऊपर क्या था रिज्यूम, अब इसके ऊपर रिज्यूम था वो दिशे वाले के अंदर रिस्टार्ट था। सही है सर सारे काम कर रहे हैं। अब सर ये देखें अब बड़ी आसान सी बात है, दूसरा जो एक काम वेव पॉइंट वाला रहता है वो मैं करवा देता हूँ। अब आपकी गेम तैयार हो सकती है, जब मंगल को आओ तो आप काम दिखाओ। यहाँ पे आप क्या लोगे, सिंपल ना सेटअप है, अच्छे अच्छे पहाड़ बनाओ, टेरन इतना ही बहुत है, बहुत टेरन है, बहुत बड़ा टेरन है, इससे भी छोटा ले सकते हो, क्योंकि आपने तो इतने एरिए में शो करवाने हैं जानवर तो ये बहुत, चलो जितना भी लेना है बहरहाल। मैंने वो लैंडस्केप वाला लिया हुआ है। नहीं 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 वो नहीं लेना, नहीं लेना। वो क्यों लेना है, वो तो गाड़ियों के लिए ऐसी मॉडिफिकेशन पहाड़ हो गए, इस तरह नहीं सिंपल टेरन लो। नहीं उसके अंदर भी ग्रास ही है और सारे पहाड़ इस तरह बना। कौन सा और टेरन, वो तो बहुत बड़ा है यार, मैंने यूज़ किए हुए लैंडस्केप वाले। चलो ले लिया तो ठीक है, वो तो कोई मसला नहीं है, वैसे कह रहा हूँ बस सही है उसमें बना लो। उसका ये है कि कोई अच्छा एरिया सेलेक्ट कर लो उसके, उस उतने हिस्से में थोड़ा जंगल बना लो, दरख्त लगा लो मसाल के तौर पर, यहाँ पहाड़ यहाँ पर जंगल बना लो आप। ठीक है अब यहाँ पर प्लेयर खड़ा करो, पहले लेवल में आप क्या करो, पहले लेवल में करो कि यहाँ पे ये तीन बंदे मरने हैं, तो लगा कि ये वो लेवल कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। दूसरे लेवल में क्या करना है, दूसरे लेवल में वही सीन को डुप्लीकेट करो, ये जिससे नंबर टू आ गया, पिछला सीन वो चेंज नहीं की थी ना, सेव नहीं किया था, सीन नंबर टू आ गया। सीन नंबर टू में हम कहते हैं यार ज़ेब्रा है ना, इनकी तादाद पाँच हो जाए, इनकी तादाद कितनी हो जाए, कोडिंग तो ही बड़ी है, कोई मसला है इसमें कोडिंग में, लो जी पाँच हो गए, पाँच मारने ज़रूरी है वरना गेम कंप्लीट नहीं होगी। एनिमल फ्रेंड भी तीन हो गए हैं जी, हार्ड होती जा रही है ना गेम। टाइमर भी लगा सकते हो आप, कितने टाइम में आपने मारने हैं, वो टाइमर आपको मैंने सिखाया हुआ है, टाइमर लगाओ उसको शो करो उतने टाइम में हो गया तीनों, तो गेम फेल है। अब ये देखो जी आपके लेवल टू कम्प्लीट हो गए हैं, सो लेवल बना लो आप दस मिनट में बैठ के, एक लेवल बिल्कुल परफेक्ट हर चीज़ ओके करके ना डुप्लीकेट कर देंगे आपको, पता चले कि
पूरी गेम एक लेवल की हो चुकी है फिर डुप्लीकेट करना है, वरना हर चीज़ में जगह आप चेंज, यानी कि इवन के बटनों की पिक्चर्स भी आपने लगानी है ना एक दफ़ा लगा लो सारा कुछ, वरना आपको हर जब पैनल में जाके दोबारा लगाने पड़ेंगे, इसलिए आप हर पिक्चर शिक्चर जो आपने लगानी है लगा लो, उसके बाद ना ये देखो अब हमारे कितने खड़े हैं, 5 खड़े हैं, अब देखते हैं इस पर तो मर ही जाएगा कम्प्लीट पर, 5 मारने में कम्प्लीट होता है, 1 2 3 अभी हमें कम्प्लीट होना चाहिए था, क्योंकि अब लेवल 2 है तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 मरने ज़रूरी हैं फिर लेवल कम्प्लीट, ऐसे ही ना दूसरा लेवल आ गया है उसमें तो 3 थे 4 एक्चुअल दे 0 कराने ना क्यों हो जी हाँ जी कोडिंग के हिसाब से 0 कराने हैं जिन्हें बनाई जाओगे तो जो तुम मरने गए 0 कोडिंग हमने जनरल की जनरल हमने की है टैग से जनरल की है बाहर खत्म जितने भी एनिमी होंगे वो 0 होंगे। अच्छा आप न्यू जानवर लगाते हो यहाँ पे उसका वो बना बनू के रख देते हो, आप कहते हैं यार अब शेर इसके साथ एक फ्रेंड में और डालूं हिरन, वो हिरन भी भागती फिरे, हार्ड कर रहे हो ना गेम, अगले लेवल में आप हिरन मारो तो आप उनको सुकून से रखो प्रीफैब बनाओ उसकी डेथ एनिमेशन का, उसको टैग एनिमी दो और उसको रखो और उसको मारो उसको, लेकिन टैग आपने एनिमी और फ्रेंड ये याद रखना है बस, जिसको फ्रेंड रखना है उसको फ्रेंड का टैग दो, जिसको एनिमी रखना उसको एनिमी, कोडिंग पीछे भी पड़ी है आप सीरियसली मैं कह रहा हूँ सीरियसली एक दिन की अगर आप इतनी आसान है आप 1-2 दिन में गेम बना सकते हो इजीली, टाइमर भी लगा सकते हैं इस टाइम के अंदर जिन्हें मारने हैं, टाइमर लगाना अब आपको इस तरह टाइमर लगा दो, यहाँ पे टाइमर चल रहा हो आपको बताया मैंने टाइमर किस तरह हमने किया भी है उसी सेम वैसे टाइमर लेना है वैसे शो करवाना है, और वैसे जिस तरह टाइमर हमने एंड ऑपरेटर लगा के टाइम जब कम्प्लीट हो जाए वहाँ पर हमने सिर्फ टाइमर किया था कि टाइम खत्म हो जाए तो हमारी गेम कम्प्लीट फेल हो जाए ऐसे ही ना, तो आप यहाँ पर क्या करोगे यहाँ सिंपल आप करोगे यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर लगा और ऑपरेटर कि हो सकता है फ्रेंड भी मर जाए हो सकता है टाइम भी पूरा हो जाए, तो आप क्या करोगे ये और ऑपरेटर होता है सॉरी भाई मेरे वाला और किधर है ये वाला इसे कहते हैं ओवर ऑपरेटर, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ टाइम ओवर का मैंने लिया हुआ है या कुछ भी लिया हुआ है इजिकल टू 0 के बराबर हो जाए या टाइम ओवर का जो जिस तरह भी आपने किया होगा वो 0 के बराबर हो जाए या ये कंडीशन ट्रू हो जाए तब भी फेल है ये भी कोई भी एक टाइम में हो सकती है ना, और अगर एंड लगा देते तो मस्ट है कि दोनों ही इकट्ठी हो तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप उसी टाइम में एग्जैक्ट सेकंड्स में पूरा करो कंप्लीट ही नहीं होना वो फेल ही नहीं होना कभी ये कंडीशन चलनी नहीं है, तो ये आपने और लगा देना या ये चल जाएगी ये अगर एक भी मर गया तब भी फेल पैनल, और टाइम पूरा ये नहीं भी आपने मारा कोई लेकिन टाइम उधर से पूरा हो गया तब भी फेल पैनल, तो ये अब आप करोगे टास्क एकदम तो बड़ा नहीं है 2 लाइनों का कोड है ठीक हो गया। अच्छा पीछे अब मंगल अभी मैं चलाने वाला बता देता हूँ अभी मीडिया ये जब ये बना लो ना उस दिन बताना वो करवा दूंगा मैं, कब लोडिंग मेन मेन्यू लेवल सिलेक्शन और इसमें गाड़ी सिलेक्शन तो है ही नहीं, लेवल सिलेक्शन 8 लेवल 10 बना लो 10 बना लो 10 लेवल बना लो लेवल इस दफा नई सेटिंग करके आनी बटनों की मुझे वो पुरानी वाली नज़र ना आए जिस तरह वैसे ही मैंने लगाया अपनी तरफ से लगाया जिस तरह मर्जी रख लेना, लेवल सिलेक्शन ठीक हो गया। अब मैं तुम्हें करवाया हुआ लॉक अनलॉक करवाना काम करवाया हुआ है ना, आप इधर भी वैसे करना सेम टू सेम कॉपी करना कोड जो उस गेम में बनाया था इसमें ला के पेस्ट कर देना जहाँ पे पेस्ट किया है कंप्लीट पैनल में पेस्ट किया था ना इसमें भी कंप्लीट में पेस्ट कर देना है और लेवल सिलेक्शन में गेट करके उनको अनलॉक करवाना है, करवाया हुआ है आपने खुद किया अपने आप से अब करके आओगे ठीक हो गया, अब आप करके आओगे सिर्फ कॉपी पेस्ट मारना है और सिर्फ लेवल्स का नाम मेरा ख्याल है कि वहाँ पर मैंने LV1 रखा था इधर भी LV1 ही रखा है आपने अगर वही रखा हुआ तो ठीक है वरना आप वहाँ पे सिर्फ कोडिंग में लेवल्स के नाम चेंज कर दो कि वरना यहाँ पे चेंज कर देना कोडिंग के लिए और उसे कॉपी करना है इधर पेस्ट करना है उसको समझ लेना है और लेवल सिलेक्शन पे गेट करके लेवल अनलॉक करवाना है बटन को ठीक है लेवल अनलॉक करवाना नहीं नहीं एक कम्प्लीट पहला लेवल लेवल कम्प्लीट हुआ है अगला लेवल अनलॉक होना चाहिए बटन ठीक है, पीछे पॉज पैनल के पीछे कोडिंग तीनों हो गई है वो भी आपने करनी है, होम पे चला जाए वो आपको करना आता है एप्लीकेशन डॉट लोड लेवल रीस्टार्ट पे करना आता है और रिज्यूम पे करना आता है इतना काम हो जाएगा, सिर्फ चलने और एक फायर पे भागने के अलावा गेम कंप्लीट है, ये काम रह गया ना कि आप वो चलते कुछ खड़े हैं कुछ चलते फिर रहे हैं जिस तरह हमने कल वो चलाया था ठीक है ऐसे ऐसे एनिमेशन से हो रही हैं, और जब एक फायर जैसे चलाया ना वो भागना शुरू कर दिया सब ने फिर हार्ड हो गई है गेम ऐसे ही होता ना आपसे स्नाइपर का निशाना गलत हो गया है तो फिर क्या उसके लिए मुश्किल होनी चाहिए ना तो भागना शुरू फिर भागते हुए क्यों मारना हमने ये काम रह गया वो भी 2 मिनट का काम है वो भी मैं बता देता हूँ अभी तो